तो अभी की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपने देखी, हिजबुल्ला चीफ के ठिकाने पर दुनिया का पहला चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा है। हिजबुल्ला चीफ के ठिकाने पर पहुंचा एबीपी न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल, जैसा कि हमारा आपसे वादा है हर खबर सबसे पहले पहुंचाने का। तो आपने देखा हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जान की बाजी लगाकर उस जगह पर पहुंचे जहां अभी तक दुनिया का कोई चैनल नहीं पहुंच पाया है, जहां हिजबुल्ला का नया चीफ मारा गया वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। युद्ध क्षेत्र से एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर की साहसी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। किया गया है कि कैसे लेबनान किया गया है कि कैसे लेबनान। ये तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से धमाके की आवाज आई और उसके बाद आपने देखा हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल फौरन वहां से हटते हैं, क्योंकि जिस तरीके का धमाका था, जिस तरीके से वहां पर बम विस्फोट हो रहा है, किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन एबीपी न्यूज वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, दुनिया का पहला न्यूज चैनल जो यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, जहां पर हिजबुल्ला का नया चीफ मारा गया, जहां पर टारगेट किया गया था हिजबुल्ला के नए चीफ को, जहां पर हिजबुल्ला के लोगों की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, जहां पर आप देख रहे हैं आग की ऊंची उठती लपटें नजर आ रही हैं बम धमाके के बाद, वहां पर जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आप देख रहे थे कैसे वहां पर अभी हालात बने हुए हैं और बहुत ही जोखिमपूर्ण ये रिपोर्टिंग है। आप सोच रहे हैं, ये देखिए धमाके की आवाज जब आपने सुनी कैसे हिल गए थे वहां पर जगविंदर पटियाल, फौरन वहां से थोड़ी दूर हटे, लेकिन वहां पर लगातार इस तरीके के हालात बने हुए हैं। बम धमाकों के बीच ये साहसिक रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी दक्षिणी बेरूत से, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसराइल ने बेरूत में जहां पर एयर स्ट्राइक की, इसराइल की एयर स्ट्राइक में जहां हिजबुल्ला का नया चीफ हाशम सैफुद्दीन मारा गया, वहां पर मौजूद है आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर बम धमाकों के बीच जगविंदर पटियाल की यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, धमाके की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे, फिर से देखिए सुनिए। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है, पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शैल अंदर था, ये कोई शैल अंदर था जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है, बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां, दुर्गम हालात, और ऐसी स्थिति में आप देखिए एबीपी न्यूज आपका हमारा जो आपसे वादा है वो निभाता हुआ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ताकि हर खबर हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहें। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल को आप देख रहे हैं जो कि उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर हिजबुल्ला की बैठक चल रही थी, जहां पर ये ड्रोन के जरिए हमला किया गया, हिजबुल्ला का नया चीफ मारा गया, यहीं पर जब धमाका हो रहा था उसी वक्त वहां पर जगविंदर मौजूद थे, और जैसे ही आप सुन पा रहे होंगे धमाके की आवाज आती है, जगविंदर भी हिल गए थे। आप देखिए एक बार फिर से ये रिपोर्ट। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है, पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था, ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है,
बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई जहां पर हर कदम पर जान का खतरा हो वहां पर मौजूद एबीपी न्यूज हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये साहसिक निडर रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। हिजबुल्ला का नया चीफ यहां पर मारा गया जहां पर ड्रोन अटैक हुआ, बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गए हैं जगविंदर पटियाल। और मैं आपको बता दूं दुनिया का ये पहला न्यूज चैनल है आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी न्यूज जो यहाँ पर मौजूद है। धमाके की आवाज हो रही है, जान का खतरा है, जान की बाजी लगाकर यहां से ये खबर ये रिपोर्ट जगविंदर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे लेबनान इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहां पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। जो अभी भी फटा है, बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इसराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान इस बात को आप समझिए कि ना सिर्फ ये युद्ध क्षेत्र है बल्कि युद्ध क्षेत्र का ये एपी सेंटर है जहां पर हिजबुल्ला का ठिकाना, जहां पर हिजबुल्ला का चीफ मौजूद था, अपने लोगों के साथ बैठक कर रहा था, वहां पर उसे मार गिराया गया ड्रोन की मदद से। जहां पर धमाके हो रहे थे वहां पर पहुंच गए जगविंदर पटियाल। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।